दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ जो HMT यानी मशीन्स टूल्स लिमिटेड के द्वारा जो एक रिक्रूटमेंट की नोटिस यहाँ पे जारी की गई है, जो कि रिसेंटली में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसके रिक्रूटमेंट है। आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्स निकाली गई है कंपनी ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका डिटेल्स ऑफ पोजीशंस आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि जो आपका फर्स्ट में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर रखी गई, यहाँ पर अगर आप जो है कंपनी ट्रेनिंग जो कि आपका मल्टी स्किल या फिर एक्सपीरियंस्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें जो है डायरेक्ट टेक्निकल वालों के लिए है ये, इसमें जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है अगर, तो आप अगर मेट्रिकुलेशंस कर रखे होंगे या फिर अगर आप जो है SSLC के साथ आप ITI कर रखे हैं, या अगर आपने जो है NCVT के साथ अगर आप NSC कर रखे होंगे, तो आप बिल्कुल ही जो है ये कंपनी ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगर आप HMT ट्रेनिंग में अगर जो है आप 3 साल का एक्सपीरियंस कर रखे होंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेहतर जो है यहाँ पर जो है यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अपर जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, आपका मैक्सिमम जो है 33 ईयर्स जो है आपका अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस है कंपनी ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट में जो है आपका यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो जो पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पे रखी गई है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आपका मशीन टूल्स इंडस्ट्री का होगा, या फिर अगर आप जो है वर्क एक्सपीरियंस अंडरगोन ट्रेनिंग HMT मशीन टूल्स से अगर आपने जो है एक्सपीरियंस कर रखे होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है अधिक प्राथमिकता भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। शुड बी विल कर्मसेटन मल्टी स्किल ऑपरेशन ट्रेड रिलेवेंट टू मशीन टूल इंडस्ट्री। तो आपके पास ये सब की जो है आपका यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशंस की एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप कंपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख पा रहे कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जो कि आपका ITI या फिर जो आपका यहाँ पे SLC या मेट्रिकुलेशंस वालों के लिए यहाँ पे 10 रखी गई है, जिसमें कि आपका टर्नर मैकेनिस्ट ग्राइंडर फिटर एंड इलेक्ट्रीशियंस के लिए यहाँ पे जो है यह सीट रिजर्व बनाई गई है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशंस दी जाती है, लाइक दैट अगर आप SC ST या फिर OBC या PWD कैंडिडेट होंगे, उनको यहाँ पे जो है रिजर्वेशंस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप कंपनी ट्रेनिंग में अगर आप सिलेक्टेड होती हैं, अगर आप ITI से अगर आप जो है इसमें सिलेक्टेड होते हैं, या फिर जो आपका SLC या फिर जो आपका मेट्रिकुलेशन से अगर आप, या फिर HMT ट्रेनिंग अगर आप जो है मशीन टूल से कर रखे होंगे, तो अगर इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं कंपनी जो ट्रेनिंग इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको यहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर जो है आपका 13,000 आपको स्टाइपेंड दी जाएगी, सेकेंड ईयर में 13,500 एंड थर्ड ईयर में जैसे आप पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पे 14,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप ITI लेवल से अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग की पीरियड आपको यहाँ पे 3 ईयर्स आपको यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सेकेंड जो बी पोजीशंस है इसमें जो है, इसमें भी आपका जो पोजीशंस नेम यहाँ पे जो है कंपनी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि मल्टी स्किल एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट टेक्निकल की यहाँ पे पोजीशंस बतलाई गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे रखी गई, तो अगर आपने जो है 3 ईयर्स की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे होंगे, या अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से जो है डिप्लोमा कर रखे होंगे, तो आप जो है कंपनी ट्रेनिंग जो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज जो है इसमें भी सेम रखी गई, 33 ईयर्स जो है आपका यहाँ पे अपर एज यहाँ पे रखी गई है। इसमें जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि डिप्लोमा वालों के लिए, तो अगर आप जो है एक्सपीरियंस इन मशीन टूल इंडस्ट्रीज में कर रखे होंगे, या फिर अगर विथ वर्क एक्सपीरियंस अगर आप जो है अंडरगोन ट्रेनिंग एट HMT मशीन टूल से अगर कर रखे होंगे, या अगर जो है कन्वर्सेंट इन मल्टी स्किल ऑपरेशंस या ट्रेड रिलेवेंट की मशीन टूल इंडस्ट्रीज में, ये सब में जो है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आपके पास डिप्लोमा होने के साथ साथ जो है ये सब पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो है 2 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे जो डिप्लोमा कैंडिडेट अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो डिप्लोमा वालों के लिए जो है आपका 2 साल के जो है यहाँ पे जो है ट्रेनिंग की पीरियड रखी गई है। तो अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट से अगर आप जो है कंपनी ट्रेनिंग में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको जो आपका यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी
फर्स्ट ईयर में जो है 14,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। एंड सेकेंड ईयर में जैसे आप पहुँच जाते हैं तो उनको जो है 14,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर या फिर स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेक्शन जो प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे देख पा रही कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई कि सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस इन द प्रैक्टिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशंस होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा एंड आप जिस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट में, तो उसके अनुसार जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड देन जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। आपका फर्स्ट स्टेज में जो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें 70 मार्क्स की यहाँ पे रहेगी। एंड सेकेंड स्टेज जो है आपका रिटन टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से आपको यहाँ पे 30 मार्क्स के आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड अंतिम में जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे कि जो वेटेज आपको दी जाएगी जो कि क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे जो है कैटेगरीज के अनुसार यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो आप डिप्लोमा से होंगे या फिर ITI से, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है कैटेगरीज यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे वेटेज यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो है आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देनी होगी। अप्लीकेशन फ़ी की अगर यहाँ पे बात करें तो जो अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है जो कि नॉन रिफंडेबल आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो आप किस कैटेगरी से होंगे, अगर आप जनरल या फिर EWS या OBC के कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 500 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है आप इसमें पे कर पाएंगे। अगर आप जो है SC ST की कैटेगरी से आते होंगे तो उनको जो है 250 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जाएगी जो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से जो है इसकी आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे किसी तरह की अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो इसकी जो ऑफिशियल यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर सबसे फर्स्ट इसकी जो फॉर्मेट होगा इसका अप्लीकेशंस का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन इसके जो जितने भी सारे वहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए होंगे उसको आपके फिल करके जो है स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी निबंधन डाक के द्वारा जो है आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है आप इसका जो अप्लीकेशंस का फॉर्मेट होगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन जो यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ पे दी गई है इस एड्रेस में जो है आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे कि जो कैसे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे जो इसकी प्रोसेस बताइए कि अप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज इनक्लोज ड्यूली फिल इनक्लोजिंग देयर विद द डिमांड ड्राफ्ट एंड द सेट ऑफ सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपीज of the relevant certificate in the proof of qualifications, age, category, experience, etc. तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस की ये जो एज क्रिटेरिया कैटेगरी आप किस कैटेगरी से हैं, एक्सपीरियंस, ये सब जितने भी सारे जो आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं उस डिटेल को जो है आपको जो अप्लीकेशंस का फॉर्मेट होगा उसके साथ अटैच करके जो है यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी ट्रेनिंग आपको लिखना होगा। देन यहाँ पे जो आपका एड्रेस दी गई है इस एड्रेस में जो है आप जो है 20/4/2021 यानी कि 20 अप्रैल 2021 से पहले यहाँ पे इस एड्रेस में जो है किसी भी ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के थ्रू जो है आप भेज करके अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इसका जो है आप बाय ईमेल या फिर फैक्स या फिर हैंड टू हैंड अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे कैंडिडेट का फॉर्म को यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप किसी भी ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जो है इस एड्रेस में जो है आप भेज करके अप्लाई कर पाएंगे जितने भी सारे जो आपको वहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर इसकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर दी गई है इस नंबर में आकर जो है आप कॉल करके भी जो पूछ के जो है पता कर सकते हैं किसी भी प्रकार की डाउट होगी। यहाँ पे जो अप्लीकेशन के फॉर्मेट के साथ यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो सेल्फ अटेस्टेज करना है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है आपको अटेस्टेड करके भेजना है। उसके बाद ही जो ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपको भेज देना है। नीचे में आप देख पा रहे कि जो इसकी अप्लीकेशंस का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे फर्स्ट आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर जो इसका अप्लीकेशंस का फॉर्मेट है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन जितने भी सारे जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं इस डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है 20/4/2021 से पहले जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट के रजिस्टर पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से भेज करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।